फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों, बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। बेसिकली ओमेगा 3 के ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि भाई ओमेगा 3 को ओमेगा 3 क्यों बोलते हैं, 4 क्यों नहीं बोलते, 2 क्यों नहीं बोलते, ये एक क्वेश्चन था, क्यूरियोसिटी थी। तो मुझे लगा कि ओमेगा 3 के ऊपर एक फ्रेश वीडियो बनाते हैं जिसमें सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अगर आप ओमेगा 3 यूज़ करते हैं तो भी वीडियो को देख सकते हैं, नहीं करते तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, ओमेगा 3 को ओमेगा 3 क्यों बोला जाता है? देखो, होता क्या है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब कि जो भी अपने डाइट में अपन कार्ब्स लेते हैं, तो कार्ब्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, आप रोटी चावल कुछ भी खा रहे हो, आप कार्ब्स के रूप में ले रहे हो, लेकिन शरीर उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करके सेव करता है। तो कार्ब्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज। और जैसा कि प्रोटीन होता है, प्रोटीन कई सारी चीज़ों में होता है, लेकिन प्रोटीन जब आप लेते हैं तो आपका शरीर उसको अमाइनो एसिड्स के रूप में रखता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में होता है। और उसी तरह से ओमेगा 3 क्या होता है, बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैट तो सही नहीं होता, लेकिन फैट भी दो तरह का होता है, गुड फैट और बैड फैट कह सकते हैं। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो भी होते हैं, ये आपके लिए गुड होते हैं, मतलब कि शरीर के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो ओमेगा 3 के अंदर कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, और ये फैटी एसिड्स होते हैं 3, तो इसलिए बोलते हैं ओमेगा 3। तो फैटी एसिड्स हैं 3 जो कि हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, ठीक है, जिनको आपको लेना ही चाहिए। शरीर में बहुत सारे इनके बेनिफिट्स होते हैं, और अगर आप नहीं लेते हैं तो ज़रूर से लेना शुरू कर दें। तो ओमेगा 3 के अंदर होते हैं 3 फैटी एसिड्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ALA, मतलब कि अल्फा लाइनोलिक एसिड। अल्फा लाइनोलिक एसिड शरीर में बेसिकली एनर्जी के रूप में काम करता है, एनर्जी बना के रखता है हमारे शरीर में, ALA। दूसरा होता है दोस्तों DHA, ग्लूकोसा हेक्सोनिक एसिड, ग्लूकोसा हेक्सोनिक एसिड होता है। तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पर EPA, मतलब कि इकोसा पेंटोनिक एसिड। तो ये 3 तरह के फैटी एसिड्स ओमेगा 3 में पाए जाते हैं। और ALA आपको पता दिया मैंने कि भाई ये एनर्जी के रूप में काम करता है, और DHA ब्रेन के फंक्शंस पर जाकर काम करता है, ब्रेन को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को बढ़ाता है। इसलिए कहते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें DHA प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, ग्लूकोसा हेक्सोनिक एसिड, तो DHA। EPA क्या होता है, डिप्रेशन एंजाइटी को कम करता है, और इनके कई सारे यूज़ भी हो सकते हैं। इन तीनों का यूज़ ये है दोस्तों बेसिकली कि आपके शरीर में आपके जॉइंट्स की हेल्प करना, जॉइंट्स की कमज़ोरी को दूर करना, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब कि दिल से संबंधित बीमारियां हो रही हैं तो उनसे बचाना, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखना, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, ये सब इनका काम होता है। साथ ही आपको हार्ट अटैक से भी बचाता है, साथ ही LDL को कम करता है और HDL को बढ़ाता है, मतलब कि जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लिपिड्स इनको कम करता है, और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स को ये अपने शरीर में बढ़ाता है। तो ये इसका बेसिकली काम होता है ओमेगा 3 का, तीनों फैटी एसिड्स का। साथ ही ADHD एक समस्या होती है, इससे भी बचाता है बच्चों के लिए, बच्चों का कई बार मानसिक विकास नहीं हो पाता है, एक समस्या होती है ADHD, इसमें बच्चों का बिहेवियर सही नहीं रहता, बच्चा जिद्दी रहता है, आपकी बात नहीं मानता, बच्चा अशांत रहता है, हर समय चिड़चिड़ा रहता है। तो बच्चों में ये ADHD की समस्या बहुत कॉमन है, अगर उनको ओमेगा 3 दिया जाता है तो ये ADHD की समस्या से भी बच्चों को आराम मिलता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज से भी फाइट करता है, कई तरह की ऐसी समस्याएं होती हैं जिनमें शरीर अपनी ही बॉडी सेल्स को मारने लगता है, तो उन्हें बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है ना, वो आर्थराइटिस वगैरह जो बहुत सारी होती हैं, तो इन समस्याओं में भी आपको ये आराम देता है। डायबिटीज़ में भी हेल्प करता है, ओमेगा 3 डायबिटिक पेशेंट को अगर दिया जाए तो उनके शुगर लेवल को मेंटेन रखने लगता है। लिवर में अगर फैट है, शराब नहीं पीते आप लेकिन फिर भी फैटी एसिड हो जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड्स की समस्या है, तब भी ये फैट को कम करता है लिवर के, ठीक है, और आपकी स्किन को भी इम्प्रूव रखता है, स्किन में होने वाली समस्याओं से बचाता है, स्किन के अंदर एक मॉइस्चराइजर रखता है, स्किन हेल्दी रखता है। सो कई बॉडी बिल्डर्स भी इसका यूज़ करते हैं इन्हीं सारे बेनिफिट्स को देखते हुए, और बहुत सारी इनकी नेचुरल डाइट्स भी हो सकती है ओमेगा 3 के लिए। पहली तो यही है कि भाई टूना फिश आती है, सालमन फिश आती है, इनको भी आप डायरेक्ट नेचुरल डाइट से ले सकते हैं, कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वॉलनट हो सकता है,
अखरोट, इनमें भी इसको लिया जा सकता है। अब बॉडी बिल्डिंग के लिए इसको खास रिकमेंडेड इसलिए किया जाता है क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि कम उम्र में ही हार्ट अटैक्स आ जाते हैं लोगों को, जिम के दौरान, वर्कआउट के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। तो जो लोग ओमेगा 3 का प्रॉपर सेवन करते हैं, प्रॉपर लेते हैं, तो उनको इस तरह की समस्याएं नहीं होती हैं क्योंकि ओमेगा 3 उनको हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज से बचाता है। ओमेगा 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात आते हैं भाई ओमेगा 3 बनता कहाँ से। ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, कई तरह की कंपनियां इसके कैप्सूल बना रही हैं। मछलियों को कई ज़्यादा मात्रा में लाकर उनको पीसा जाता है, एक प्रकार से उनको ग्राइंड करके पाउडर बनाया जाता है, पाउडर से उसका ऑयल निकाला जाता है। तो अगर आप फिश खाते हैं, मछलियां खाते हैं, तो ज़रूर से कम हफ्ते में एक बार खा लें तो आपको ये कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फिश नहीं खाते हैं तो आप इन ओमेगा 3 के कैप्सूल्स को ले सकते हैं। हर दिन एक कैप्सूल आप ले सकते हैं खाने के बाद, ठीक है। और कैप्सूल में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती, फटाक से आप उसको निगल सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात आती है कि भाई कितना लेना है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो कितना भी ले सकते हो, अजीबन आप एक कैप्सूल खा सकते हो, कोई भी इसमें मेडिकल की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये एक डाइटरी सप्लीमेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है, हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए ओमेगा 3। सो आई होप आप समझ गए होंगे ओमेगा 3 के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।